प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। मैं एस कुमार, मनोज आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। यह इकोनॉमिक्स की आंसर सीरीज चल रही है। इसमें एक एक करके हम बेहतरीन क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आइए इस बात को हम समझते हैं। आज हमारा कुछ और क्वेश्चन है जिसमें आप देख सकते हैं यहां पर हमने क्वेश्चन दे रखा है। यह श्रृंखला चल रही है आंसर सीरीज की। क्वेश्चन है आपके सामने, भारत में बेहतर पोषण, समझिएगा, आपको समझना चाहिए और मैं आपको समझाने का बहुत बेहतर प्रयास भी कर रहा हूं और आपको बड़ा मजा आ रहा होगा धीरे धीरे। अब धीरे धीरे चीजें अच्छी होती हैं, इस बात को समझना चाहिए। भारत में क्या चाहिए? बेहतर पोषण चाहिए और स्वास्थ्य चाहिए। पोषण का मतलब भोजन बढ़िया होना चाहिए, स्वास्थ्य का मतलब आप बिल्कुल फिट हो, ठीक है, एकदम एनर्जेटिक महसूस करते हो। बेहतर पोषण एवं स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए खाद्य उद्योग, इसने एक चीज देखिए, गुलाबी क्रांति, ठीक है, आपने हरित क्रांति सुना होगा, आपने श्वेत क्रांति सुना होगा, यहां पर कौन सी क्रांति की बात हो रही है? गुलाबी क्रांति। प्रोन्नत हेतु उपायों को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। इस कथन पर आलोचनात्मक प्रकाश डालिए, इस बात को ध्यान रखिएगा, आलोचनात्मक प्रकाश डालना है, हम समझते हैं इस बात को। देखिए गुलाबी क्रांति जो है, गुलाबी क्रांति का संदर्भ किस चीज से है? गुलाबी क्रांति का संबंध मीट व्यवसाय से है। मीट व्यवसाय, मुर्गा, सुअर, कुत्ता, बिल्ली, जो भी है, मछली, जो जीव जंतु खाए जा सकते हैं। जैसे इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल आप चाइना को ले लीजिए। चाइना में गुलाबी क्रांति खूब है, आप समझ रहे कि नहीं? आप देख सकते हैं कि जो है उल्लू को खा जाते हैं, सब चमगादड़ को खा जाते हैं, है कि नहीं? तो यहां पर हम उसी क्रांति की बात कर रहे हैं, हम गुलाबी क्रांति की बात कर रहे हैं और हम गुलाबी क्रांति को समझेंगे। आइए समझते हैं। देखिए भारत में इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ऐसी समस्या क्यों आई, क्यों जरूरत है मीट खाने की, आइए इस बात को समझते हैं। भारत वर्ष में कुपोषण जैसी समस्या, कुपोषण की समस्या है, इस बात को समझिए। आपको जो प्रोटीन, जो तत्व, जो विटामिन चाहिए वो मिल नहीं पा रहा, तो इसको हम बोलते हैं कि कुपोषित है व्यक्ति। जैसी समस्याओं से जूझ रहा और बढ़ती जनसंख्या, पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रही है, अच्छा हम दो और हमारे जितने हो होने दो, है कि नहीं है? हम दो और हमारे जितने हैं होने दो, इस पर तो आप चल रहा है व्यवस्था, तो जनसंख्या तो बढ़ ही रही है, कोई रोक नहीं है। खास करके मुसलमानों में देखिए, उनमें तो ये माना जाता है कि जीवन के आखिरी सांस में अगर बच्चा पैदा हो सकता है तो कर दो, बढ़ने दो, समझ रहे हैं? इस तरह से देखिए धर्म का भी बड़ी समस्या है। देश को जनसंख्या पर कंट्रोल करना पड़ेगा, आपको बेहतर व्यक्ति देने पड़ेंगे, ज्यादा लोग होंगे तो कैसे आप जो है जिम्मेदारी को निर्वहन कर पाएंगे। खैर आइए समस्या देखते हैं। और प्रत्येक धर्मों में, केवल मुस्लिम धर्मों में नहीं, अन्य धर्मों में लोग अभी जागरूक कमी है, यह समस्या और बढ़ गई है। इस समस्या से निपटने के लिए भारत ने गुलाबी क्रांति को प्रोत्साहन किया, बोला भाई चलो कुछ रास्ता यहां से भी निकाल लेते हैं, कम से कम कुपोषित तो ना हो। तो देखिए क्या कहता है, गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? मांस प्रसंस्करण से है, पोल्ट्री उद्योग से, मुर्गा पालन से है, समझिएगा, मांस वाली चीजों को हम बढ़ावा देंगे। भारत में इससे पहले हरित क्रांति, श्वेत क्रांति सफल हो चुकी है। गुलाबी क्रांति खाद्य सुरक्षा प्रदान करने और कुपोषण को कम करने के साथ साथ व्यक्तियों में स्वास्थ्य और पोषण स्तर को भी सुनिश्चित करेगी। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, FAO ने भारत में मांस प्रसंस्करण के आधुनिकीकरण को मान्यता देते हुए इसे गुलाबी क्रांति की भी संज्ञा दे दी है। मतलब ये पूरा ऑथराइज हो चुका है कि भाई आप जो है पालन करिए। मांस प्रोटीन और आयरन का एक अच्छा स्रोत भी है, यह एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व, देखिएगा इसमें एक इंपॉर्टेंट पोषक तत्व है जिसको हम लोग कहते हैं विटामिन B12। तो विटामिन B12 का बहुत अच्छा स्रोत होता है मांस, और इसके अलावा इसमें प्रोटीन बहुत मात्रा में पाई जाती है, आप देख सकते हैं आयरन बहुत मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। B12 भी प्रदान करता है जो शाकाहारी भोजन में लगभग अनुपस्थित रहता है, बहुत से भारतीय B12 की कमी से पीड़ित भी है। खाद्य और कृषि संगठन ने भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय को गुलाबी क्रांति की प्रोन्नति हेतु कई सुझाव दिए हैं। इन सुझावों में मांस उत्पादन करने वाले जानवरों के नस्ल सुधार, इस बात को ध्यान रखिएगा, केवल मांस पैदा नहीं करना है, आप उनकी नस्ल बेहतर करिए, नस्ल सुधार करिए, नस्ल सुधार का प्रयास सबसे महत्वपूर्ण है। सरकार ने कई, इस बात को ध्यान दीजिएगा, सरकार ने कई कंपनियों को इस क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति प्रदान की है। भारत सरकार ने गुलाबी क्रांति को सही दिशा प्रदान करने के लिए फूड सेफ्टी 2006, इस बात को ध्यान, कौन सा पास किया? फूड सेफ्टी 2006 जो है
पारित किया है। हैदराबाद में नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन मीट, इस बात को ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना की गई है। और वर्ष 2012 से भारत, इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात है, वर्ष 2012 से भारत भैंस के मांस निर्यात में विश्व का सबसे जो है क्या बन गया है, पहला निर्यातक देश बन गया है। इस बात को ध्यान रखिएगा, भैंस का मांस जो है इसको निर्यात करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। हालांकि गुलाबी क्रांति के कुछ आधारों पर आलोचना भी की जाती है। प्रति किलोग्राम मांस, इस बात को समझिएगा, आलोचना कैसे है, एक किलोग्राम अगर मांस पैदा करना है और एक किलोग्राम अगर शाकाहारी भोजन पैदा करना है तो शाकाहारी भोजन में कम लागत है लेकिन मांस पैदा करने में क्या अधिक लागत है। प्रति किलोग्राम मांस उत्पादन में प्रति किलोग्राम अनाज उत्पादन की तुलना में प्राकृतिक संसाधनों का ज्यादा उपयोग किया जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, पशुओं और पक्षियों के माध्यम से मानव में होने वाले रोग, आप इस बात को समझिएगा, बड़ा रोग आया था बीच में, आपने सुना था स्वाइन फ्लू आ गया, ये फ्लू आ गया, वो फ्लू आ गया, कोरोना, देखिए ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं एक फ्लू का ही तो आधार है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, पशुओं और पक्षियों के माध्यम से मानव में होने वाले रोग, खूब खाइए मीट और फिर बीमारी भी दीजिए, ये भी एक समस्या का विषय है। कच्चा अगर आप मीट खाते हैं तो फीता कृमि जैसे बीमारी भी होगी आपके अंदर, आंतों में पलेंगे, ठीक है, आपके सारे पोषक तत्वों को चूस जाएंगे। तो बहुत सारी चीजों का आपको ध्यान भी रखना है। भारत में बहुत क्षेत्र में जल की कमी से जूझ रहे हैं और इस इलाकों में पशुपालन भी क्या हो जाएगा, एक चुनौती हो जाएगा। बहुत सारे स्टेट है जहां पर जल की समस्या, पशुपालन करेंगे तो उनके लिए पानी की व्यवस्था कैसे होगी। भारत में गुलाबी क्रांति अर्थव्यवस्था और लोगों के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हो सकती है जब इसका क्रियान्वयन एक संतुलित व्यवस्था के माध्यम से किया जाए, बैलेंसिंग अप्रोच के माध्यम से अगर हम इसको भारत में लेके आए तो ये फायदेमंद हो सकती है। आइए बच्चों थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आ चुका हूं, आपको यहां पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए और हमें इस चीज को समझना चाहिए। आइए देखते हैं, और इस क्वेश्चन को मैं पढ़ रहा हूं, हमने इसे पहले देख लिया, यह हमारा अगला क्वेश्चन है। भारतीय स्वामित्व, भारतीय स्वामित्व का मतलब वह कंपनियां जिस पे भारत का स्वामित्व हो, समझिए जैसे आप अपने घर के मालिक हैं, आप किराए के घर में रहते हैं, दोनों चीजों को समझिएगा। भारतीय स्वामित्व वाली कंपनियों पर उदारीकरण के प्रभाव का परीक्षण कीजिए। क्या ये बहुराष्ट्रीय कंपनियों से संतोषजनक ढंग से प्रतिस्पर्धा कर रही हैं, विवेचना कीजिए। देखिए भारतीय कंपनियां और विदेशों की कंपनियां, ठीक, विदेश की कंपनियां जब भारत में आई तो क्या भारतीय कंपनियां उनसे लड़ने के लिए तैयार थी, क्या जो चुनौतियां थी क्या भारतीय कंपनियों ने उसको पूरा किया, क्या उनको पूरा करने में गवर्नमेंट ने कोई कदम उठाए, समझिएगा इस चीज को हम यहां पर समझने वाले हैं। और विदेशी कंपनियों को क्या लाना जरूरी था, अगर विदेशी कंपनियां आई तो उससे फायदा क्या हुआ, उससे नुकसान क्या हुआ, आइए समझते हैं। भारतीय स्वामित्व वाली कंपनियों पर उदारीकरण के प्रभाव का परीक्षण कीजिए, क्या वे बहुराष्ट्रीय कंपनियों से संतोषजनक ढंग से प्रतिस्पर्धा कर रही थी, विवेचना कीजिए। 1990 के दशक, इस बात को समझिएगा, क्योंकि 1991 मनमोहन सिंह की सरकार और मनमोहन सिंह जो है वित्त मंत्री और उनका फैसला, और वह आज तक भी सराहनीय क्यों है इसको हम लोग खूब पढ़ेंगे भी। 1990 के दशक में उत्पन्न हुए भुगतान संतुलन संकट ठीक की समस्या से निपटने के लिए भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आकर तीन चीजें लाई। ये तीनों शब्द एक साथ यूज किए जाते हैं, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ठीक है, वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन, निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन, उदारीकरण यानी लिबरलाइजेशन। तो आप देख सकते हैं ये तीन प्रक्रिया हमने यहां पर अपनाया है। भारत सरकार ने कई आर्थिक सुधार और भारतीय अर्थव्यवस्था का एक नया दौर भी यहां से शुरू होता है, समझिएगा, आपके ऊपर जो है आप इस बात को यहां से फिर समझिएगा। भुगतान संतुलन संकट की स्थिति है, पेमेंट बैलेंस नहीं है, विश्व का दबाव था, गवर्नमेंट ने क्या काम किया, इस नीति को अपनाया, कौन सा नीति है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। अब आइए इस बात को समझते हैं और इसको बहुत अच्छे प्रकार से समझना भी हम लोगों को है, थोड़ा सा हम इसको यहां से ऊपर कर देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। देखिए उदारीकरण, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं लिबरलाइजेशन, आइए देखते हैं कि क्या हुआ।
देखिए इस बात को हम लोग एक एक करके समझेंगे। और यहां पर उदारीकरण के कारण भारतीय स्वामित्व वाली कंपनियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक बेहतर अवसर उपलब्ध हुआ। ठीक है, जब हमने उदारीकरण किया तो जो भारतीय कंपनियां थी उनके लिए एक बढ़िया अवसर मिला। यह अवसर सिर्फ संभावनाओं से परिपूर्ण न होकर चुनौतियों से भी भरे हुए था। केवल पॉसिबिलिटी नहीं है, चुनौतियां भी हैं। इस दौरान भारतीय स्वामित्व वाली कंपनियों ने असंरचनात्मक तथा अवधारात्मक विकास के माध्यम से अपना विस्तार किया, बाजार में प्रतिस्पर्धा में प्रभावी रूप से अपने अस्तित्व को बनाए रखा। बहुत सी इस बात को ध्यान रखना, अपने आप को उदारीकरण के द्वारा क्या है, मजबूती स्थिति में बनी हुई है। और बहुत सी कंपनियों ने इसका लाभ भी उठाया, अपना विस्तार विश्व, जैसे आप रिलायंस को देख लीजिए, ठीक है, बहुत सारी कंपनियों ने, आप टाटा को देख लीजिए, ठीक है, इसका लाभ उठाया और अपना विस्तार कहां किया, विश्व के विभिन्न देशों में भी किया। ठीक है, इस बात को समझिएगा, अगर विदेशी कंपनी यहां आ सकती है तो यहां कंपनी विदेश भी तो जा सकती है, यही तो उदारीकरण का फायदा उठाना था, तो आप इस बात को समझिएगा। ठीक है, लेकिन इस क्रम में कुछ कंपनियों ने अपना अस्तित्व भी खो दिया। विदेशी कंपनियों ने भारत में प्रवेश भारतीय कंपनियों के माध्यम से किया, क्योंकि बहुत कम क्षेत्रों में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति थी। अब इस बात को देखिएगा, गवर्नमेंट ने 100% प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति नहीं दी। गवर्नमेंट ने कहा कि एक पॉपुलेशन, मान लीजिए उसने कहा कि 10 लाख जहां पे पॉपुलेशन है वहीं पर आप आ सकते हैं, उससे कम पॉपुलेशन पर आप जा नहीं सकते हैं। बहुत कुछ गवर्नमेंट ने एक पॉलिसीज दिया, तो 100% नहीं था, तो वो क्या कर सकते हैं, आप भारतीय कंपनियों में पैसा लगाइए। इस बात को समझ पा रहे हैं, तो भारतीय कंपनियों के साथ आप पैसा लगाएंगे। अब मान लीजिए अब आपके पास जो है शोरूम नहीं था, लेकिन आपने बाटा का शोरूम खोल रखा है, तो बाटा का शोरूम, बाटा जो है भारतीय कंपनी नहीं है, बाटा कहां की कंपनी है, देखिए बाटा है विदेश की कंपनी। ठीक है, जैसे मैं आपको कहता हूं पीटर इंग्लैंड कहां कंपनी है, पीटर इंग्लैंड जो कंपनी है वह कंपनी जो है भारतीय कंपनी है, नाम लग रहा है पीटर इंग्लैंड। और देखिए जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर लगता है कि भारत कंपनी है, उन्हें नाम रखा है हिंदुस्तान यूनिलीवर, लेकिन वह भारतीय कंपनी नहीं है। तो मैं ये बात आपको बताना चाहता हूं कि यहां से जो कंपनियां, उन्होंने क्या किया, भारतीय कंपनियों के साथ मर्ज किया और उनमें पैसा लगाया। आइए देखते हैं, इसको समझते हैं। फिर उस कंपनियों ने इसका लाभ उठाया और विस्तार विश्व के विभिन्न देशों में किया, लेकिन इस क्रम में कुछ कंपनियों ने अपना अस्तित्व भी खोया है। और विदेशी कंपनियों ने भारतीय प्रवेश कंपनियों के माध्यम से किया, क्योंकि बहुत कम क्षेत्रों में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति थी। विदेशों से आई कंपनियों ने पूंजी के साथ टेक्नोलॉजी भी लेकर आई थी। इस बात को समझिएगा, इसका हमें फायदा मिलने वाला है। हम टेक्नोलॉजी को कैसे मना करेंगे, टेक्नोलॉजी, अगर आप किसी टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं और हमने देखा तो हम भी इस टेक्नोलॉजी का क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो वही बात यहां पर हमें समझना है, हमने उनकी टेक्नोलॉजी को, यहां पर हमें लाभ मिलने वाला है, जिससे कंपनियों को क्या हुआ, फायदा हुआ, भारतीय कंपनियों को विश्व स्तर पर अपनी गुणवत्ता को भी सुधारने का मौका मिला। वे कंपनियां बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहलाती हैं जिनका कारोबार, इसी को हम बोलते हैं मल्टीनेशनल कंपनी, बहुराष्ट्रीय कंपनी, समझिएगा, जिनका कारोबार केवल मात्र देश के अलावा विश्व के दूसरे देशों में भी हो। इस बात को हमें समझना चाहिए। आइए थोड़ा सा और आगे चलते हैं, 1991 पर देखते हैं, इसमें एक लाइन और हम लोग विचार करेंगे और इसको हमें समझना चाहिए। और मैं आपको बता रहा हूं, अब देखिए वर्ष 1991 में भारत सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर किए गए आर्थिक सुधार के कारण, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत जो है आर्थिक सुधार हमने काफी कुछ किया है, और इस आर्थिक सुधार के कारण भारतीय कंपनियां बहुराष्ट्रीय कंपनियों से बड़ी प्रतिस्पर्धा कर रही हैं। हालांकि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के पास नवीन प्रौद्योगिकी के साथ पर्याप्त मात्रा में पूंजी भी होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा, जो बाहर की कंपनियां, उनके पास पैसा था, समझिए, लेकिन फिर भी भारतीय कंपनियां पीछे नहीं हटने का नाम ले रही, क्योंकि गवर्नमेंट उनके लिए जो है, गवर्नमेंट कह रही तुम सब जगह पूरे भारत में फैलो, लेकिन अभी मैंने बताया उनके लिए क्या नियम है, 10 लाख, उनके लिए क्या है आपको 100% निवेश नहीं करना है, उनके लिए क्या है कि आप 51% चलो लगा लो भाई, ठीक है तुम्हारा पैसा 51% हम भी लगाएंगे। आइए देखते हैं, इसमें कामगारों के कौशल की क्षमता काफी उच्च होती है। भारत में कुछ कंपनियों ने उदारीकरण का लाभ उठाते हुए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपना विस्तार करने में सक्षम रहा। टाटा समूह, रिलायंस समूह इत्यादि ऐसी कंपनियों ने अपना विस्तार किया। भारतीय सेवा क्षेत्र का विस्तार विश्व स्तर पर हुआ। भारत एक सेवा क्षेत्र का बहुत बड़ा केंद्र, बहुत कड़ा केंद्र बनने में कामयाब हुआ। भारत सरकार ने भारतीय कंपनियों के पक्ष में कई सारी नीतियों को बनाया। तो ये बात मैंने आपको बहुत अच्छी प्रकार से समझाया होगा, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों, बिल्कुल समय को खराब न करते हुए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन है हमारे सामने। यहां पर
भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार, कृषि उत्पादकता, गरीबी उन्मूलन के बीच संबंध स्थापित कीजिए। ठीक, किन चीजों में संबंध स्थापित करना है? कृषि सुधार, कृषि उत्पादकता सुधार और गरीबी उन्मूलन, इनमें रिलेशन स्थापित करना है। भारत में कृषि अनुकूल भूमि सुधारों के रूपांकन व अनुपालन में कठिनाइयों की विवेचना भी करना है। आइए देखते हैं, भारत में भूमि सुधार, समझिए भूमि सुधार का मतलब पहले समझाता हूं आपको। बंजर भूमि पड़ी हुई थी, उसकी गुणवत्ता को हमने देखा, उसमें क्या क्या कमी है और उसको हमने बंजर से क्या किया, उपजाऊ बनाया, तो हो गया भूमि सुधार। ठीक है, बहुत सारी जगह वैसे ही फालतू ऊबड़ खाबड़ पड़े हुए थे, उसको हमने समतल करवा दिया, बना दिया कृषि के योग्य। तो आइए देखते हैं, भारत में भूमि सुधार, कृषि उत्पादकता और गरीबी उन्मूलन के बीच गहरे संबंध है। भारत की आधी से अधिक आबादी कृषि व इसके संबंधित कार्यों में संलग्न है। भूमि सुधार के कारण कृषि उत्पादकता में वृद्धि होती है और एक बहुसंख्यक संख्या की आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही भारत में भूमि सुधार पर ध्यान दिया गया, इस बात को समझिएगा। भारत में भूमि सुधार उपायों को दो शीर्षकों के तहत किया जा सकता है। पहला पारंपरिक सुधार 1991 से पहले, और दूसरा इस प्रकार से देखिएगा 1991 के बाद, 1991 से पहले, जिसको हम कहेंगे पारंपरिक सुधार, और जिसको हम बोलेंगे आधुनिक सुधार, इसको बोलेंगे 1991 के बाद। पारंपरिक भूमि सुधार में बिचौलियों जैसे जमींदार, काश्तकारों इत्यादि को समाप्त करने की कोशिश की गई। भूमि जोतों का सीमांकन तथा अधिशेष भूमि का पुनर्वितरण किया गया। इसके साथ ही सरकारी क्षेत्रों का विकास करने की कोशिश की गई। भूमि सुधारों के कारण इस क्षेत्र के किसानों के पलायन की समस्या को कुछ सीमा तक हल किया गया। इसमें हरित क्रांति ने काफी फायदा हुआ। सरकारी सुधार के कारण कृषि उत्पादकता में वृद्धि हुई। कृषि उत्पादकता में वृद्धि के कारण गरीबी उन्मूलन में बहुत सहायता मिली। समझिए, प्रोडक्शन ज्यादा होने लगा। ठीक है, खेत में फसल ज्यादा होने लगी, ज्यादा होने लगी तो सबको ज्यादा से ज्यादा लाभ होगा, इस बात को समझना चाहिए। तो यह हमें फायदा मिला जो है अधिक उपजाऊ होने से, इस बात को समझिएगा। फिर इसमें ना एक और बात आई थी, जो खेत जोत रहा है उसी का खेत हो जाए, इस तरह की भी चीजें लागू की गई। जमींदारों को हटाया गया, समझिएगा, सीधा सीधा मजदूरों और किसानों को उसका लाभ मिले, तो इस चीज पर लगातार यहां पर काम किया गया। आधुनिक भूमि सुधार देखिए, आधुनिक भूमि सुधार कृषि उत्पादकता में वृद्धि के साथ बाजार उन्मुख है, इस बात को समझिएगा। आज क्या है, आपके पास एक अच्छा बाजार है, आप बाजार में अपने फलों को, सब्जियों को, फसलों को बेचने के लिए स्वतंत्र हैं, इस बात को समझिएगा। आधुनिक भूमि सुधार कृषि उत्पादकता में वृद्धि के साथ बाजार उन्मुख है। यह महसूस किया गया कि बुनियादी ढांचे तथा भूमि सुधार के कारण किसानों ने अपनी कृषि उत्पादकता बढ़ाने में रुचि ली। उच्च कृषि उत्पादकता ने खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिला और गरीबी का स्तर क्या हुआ, कम हुआ, इस बात को आपको समझना चाहिए। गरीबी का स्तर कम हुआ। हाल ही में भारत में औद्योगिक और अवसंरचनात्मक विकास के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 पेश किया गया है। इसमें कुछ परिस्थितियों में कृषि अनुकूल नहीं होने के लिए भी चिंता जताई गई है कि भाई देखिए, जो है कुछ ऐसे मौसम है जिसमें जो है हम कोई फसल नहीं उपजा पा सकते हैं, या जो जो अलग अलग क्षेत्रों की जो रीजनल प्रॉब्लम है उस पर भी क्या किया, यहाँ पर चिंता व्यक्त किया गया है। ठीक है, एक बहुत बड़ी आबादी किसी क्षेत्र में संलग्न है और इसकी आजीविका सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौतीपूर्ण कार्य है, समझिएगा इस बात को। कृषि के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी कृषि भूमि का उपयोग कर लेने के बाद यह अपनी उर्वरता को क्या कर सकता है, खो सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। कृषि के अलावा अन्य क्षेत्र में कृषि भूमि का उपयोग कर लेने के बाद एक समस्या, इस बात को समझिएगा, जहां पर कृषि का काम हो रहा है वहां पर अगर आपने फैक्ट्री का या किसी अन्य चीजों का काम कर देंगे तो वहां पर क्या होता है, उसकी उर्वरता भी समाप्त हो जाती है। भूमि अधिग्रहण के कारण इस क्षेत्र में किसानों का पलायन एक चिंता, समझिएगा, भूमि अधिग्रहण करने के बाद क्या होता है, किसानों को जैसे मान लीजिए आप कोई गवर्नमेंट ने कोई वहां पर फैक्ट्री करवा दी तो वहां का जो जमीन है वो एक्वायर कर लिया, अब किसानों के पास तो जमीन नहीं रही तो वहां पर एक समस्या है। मान लीजिए आप कहते हैं कि हम कुछ लोगों को वहां पर नौकरी दे देंगे लेकिन बाकी लोग क्या हो गए, उनके पास कोई आधार नहीं रहा तो वहां से क्या करते हैं, वह कहीं और पलायन करते हैं, तो यह भी एक समस्या है, इसको समझना चाहिए हमें। आइए बच्चों, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें दो पार्ट है, इन दोनों पार्ट को हम लोग समझेंगे। ठीक, अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था के माल व्यापार पद्धति में बहु व्यापार
खुदरा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के प्रवेश के प्रभाव की विवेचना कीजिए। यदि भारत ने सितंबर 2012 में संयुक्त संधि मार्ग द्वारा बहुमार्का खुदरा कराने वाले व्यापार में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI की स्वीकृति दी थी, इस निवेश में एक वर्ष पश्चात भी कोई उन्नति नहीं हुई, कारणों पर विवेचना कीजिए। FDI आप समझिएगा, बाहर के लोग क्यों इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं कि नहीं भारत में जो है हम पैसे को लगाएं, इस बात को समझिएगा। इस बात को मैं फिर से आप पढ़ता हूं, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI की स्वीकृति दे दी थी कि लगाओ, लेकिन फिर भी क्या हुआ, इसमें कोई फायदा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, आइए इस बात को हम समझते हैं। देखिए यहां से हम अच्छी प्रकार से इसको समझने का प्रयास करेंगे और एक एक चीज को यहां पर बहुत अच्छे से नोट किया गया है और साथ साथ मैं आपको समझाता हुआ भी चल रहा हूं। यद्यपि भारत संधि के यहां पर वर्ष 2012 में भारत सरकार ने भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार लाने तथा विकास की गति देने के लिए बहु व्यापार खुदरा क्षेत्र में 51% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी थी। अब इस बात को देखिए, वही समस्या है, हमने निवेश की अनुमति कितनी दी, 51%, हम 100% नहीं दे रहे हैं और वो चाहती हैं विदेशी कंपनियां कि हमें 100% आप दे दें, हम आपको मनमाना नहीं करने देंगे। 51% तुम्हें दे रहे हैं ना, ले लो चुपचाप, 49% हमारे पास भी रहेगा, 49% जो है भारतीय कंपनियों के पास भी रहेगा, नहीं तो क्या होगा, भारत के व्यापार पर विदेशी कंपनियों का प्रभुत्व स्थापित हो जाएगा, फिर मनमाना घर जाना हो जाएगा। तो भारत सरकार बहुत समझदार है, उसने कहा नहीं, हम 51% के लिए आपको बोलते हैं, आइए लगाइए, हम चाहते भी हैं कि बाहर से पैसा कुछ आए, हमारे देश में डेवलपमेंट हो। भारतीय अर्थव्यवस्था के माल व्यापार पद्धति में बहु व्यापार क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को प्रवेश के कई व्यवहारिक बदलाव आए हैं। निवेश के कारण आधारभूत संरचना का विकास हुआ है, इस बात को समझिएगा। अंतरराष्ट्रीय खुदरा विक्रेताओं के द्वारा स्थापित कोल्ड स्टोरेज के कारण, अब देखिए क्या हुआ, कोल्ड स्टोरेज था, उसमें जो है क्या हुआ, बाहर का पैसा है, कोल्ड स्टोरेज बन गया, तो उसका फायदा किसको मिलेगा, निश्चित रूप से उसका फायदा यहां के लोगों को मिलेगा। जो फसल, जो सब्जियां बर्बाद हो रही थी, वह कोल्ड स्टोरेज में एकदम ठंडी और सुस्त एकदम अच्छे से पड़ी है और उसको हम सालों साल क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, तो फायदा तो हमें मिला। आज इस बात को समझते हैं, अंतरराष्ट्रीय खुदरा विक्रेताओं द्वारा स्थापित कोल्ड स्टोरेज के कारण फल और सब्जियों की बर्बादी कम हुई है, कृषकों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल रहा है, जिस कारण इनकी आर्थिक स्थिति क्या हो रही है, सुधर रही है, रोजगार के नए अवसर बन रहे हैं। देखिए इस बात को समझिएगा, उपयोगिताओं को अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तुओं के साथ बेहतर सुविधा प्राप्त हो रही है। भारत में लगभग प्रतिवर्ष 50,000 करोड़ रुपए का खाद्य पदार्थ बर्बाद हो जाता था। ये जो 50,000 करोड़ का खाद्य पदार्थ बर्बाद हो जाता था, अब वो बर्बाद नहीं हो रहा है, इस कारण उपभोक्ताओं को ज्यादा कीमत भी चुकानी नहीं पड़ी, समझ रहे, रेट ऐसा नहीं होगा, फिर चीजों का रेट भी नहीं बढ़ेगा। अंतरराष्ट्रीय रिटेल आउटलेट, समझिए, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। एक उन्नत वितरण प्रणाली और बेहतर आपूर्ति श्रृंखला में विकास से देश की अर्थव्यवस्था को काफी फायदा होगा। बेहतर बुनियादी ढांचा के, आप ध्यान दीजिएगा यहां पर, बेहतर बुनियादी ढांचा के विकास से निजी निवेशकों क्या हो जाएगा, जो निजी निवेश है वह बेहतर बुनियादी ढांचा रहेगा, सब व्यवस्था रहेगी, तो वह अभी क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। दूसरा पॉइंट देखिए, केंद्र सरकार द्वारा बहुमार्का खुदरा कहलाने वाले व्यापार में 51% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दे दी गई है, लेकिन एक वर्ष पश्चात भी भारतीय अर्थव्यवस्था में मल्टी ब्रांड रिटेल कंपनियों द्वारा कोई बड़ा निवेश नहीं किया गया। अभी समझिए कि इसके बाद भी ये कंपनियां क्यों नहीं आई, आइए जरा इस पर हम परिचर्चा करते हैं और आपको एक एक चीज बताने का प्रयास करते हैं। देखिए इसे कई सारे पॉइंट है और इन सारे पॉइंट को हम लोग समझेंगे एक एक करके, और आप देख सकते हैं पहला पॉइंट आपके सामने यहां पर है, आप इसको देखिएगा। पहला पॉइंट है, केंद्र सरकार ने राज्यों को अपने अनुसार निर्णय लेने में छूट दे दी है, समझिएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है ठीक है FDI आने दो, लेकिन स्टेट वाले जो है अपने हिसाब से डील करेंगे, तो अब एक बार उनको आने के बाद स्टेट वालों से ही बात करना पड़ेगा और वहां के जो चुनौतियां उसको भी एग्री करना पड़ेगा। दूसरा, कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का 50% निवेश पुरानी बड़ी अवसंरचनाओं में करना पड़ेगा, मतलब जो पैसा आप लेके आएंगे उसमें से 50% पैसा जितना भी आप लगाएंगे उससे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा,
इस बात को समझ लीजिए, ये नहीं कि पैसा लगाया, फायदा मुनाफा कमाया और चल दिए। आओ निवेश करो, बनाओ इंफ्रास्ट्रक्चर, बनाओ डेवलप करो, दिखाओ कि कुछ कर रहे हो। तो ये बात समझिएगा, ई वाणिज्य में मल्टी ब्रांड ट्रेडिंग की अनुमति नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। हम ई जो ई कॉमर्स है उसमें हम जो है मल्टी ब्रांड ट्रेडिंग की अनुमति नहीं देंगे। न्यूनतम निवेशक $100 मिलियन, अब यही एक समस्या है, $100 मिलियन अगर आपके पास होगा तभी आप निवेश के लिए हमारे पास सोचिएगा। कंपनियों को अपनी 30% की खरीदारी लघु एवं मध्यम स्तर के उद्योग से ही करने होंगे, इस बात को ध्यान रखिए। जो आप खरीदारी करते हो, ये नहीं कि आप कहीं से भी खरीद लें, आपको कहीं भी 30% आपको खरीदारी कहां से करना है, लघु और मध्यम स्तर से करना है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति केवल 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से ज्यादा, जो मैं आपको पहले बता रहा था कि वहीं पर आपको निवेश करने देंगे जहां का पॉपुलेशन क्या है, मोर देन 10 लाख से, ठीक है। और बेहतर कानून व्यवस्था का आप देख सकते हैं, आप भारत की जो है कानून व्यवस्था को तो आप समझ ही सकते हैं कि पुलिस का जो है कब पहुंचती है, इस बात को मुझसे बेहतर आप लोग जानते हैं। तो जो बेहतर यहां की कानून व्यवस्था है, जैसी कानून व्यवस्था होनी चाहिए, समझिएगा भ्रष्टाचार बहुत तरह से व्याप्त है, तो उन चीजों को कौन यहां पर आएगा पंगा लेने के लिए। पैसा भी लगा दिया और रोज से दर्दी भी ले रहा है, प्रशासन मदद भी नहीं कर रहा है, हो सकता है कि कुछ भूखे नंगे लोग उसको लूट के लेके चले गए, तो क्या करेगी कंपनी, ठीक है, इस बात को समझिएगा। तो इन सारी चीजों को से जो है यह आप देख सकते हैं कि कोई भी जो है गवर्नमेंट के बढ़ा देने के बाद भी कोई निवेश करने के लिए तैयार नहीं हुआ, क्योंकि ये भी जो है पॉइंट थे। आइए बच्चों अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, और यह हमारा अब आखिरी क्वेश्चन है इस जो है इस क्लास का, और हम इस क्वेश्चन पर, छोटा सा क्वेश्चन है बस, इस पर हम बात करेंगे और इस पर आपको बात बताते हैं, बड़ा महत्वपूर्ण बात है। हालांकि ये क्वेश्चन थोड़ा पुराना है तो, लेकिन कोई बात नहीं, जब पूछा गया था तभी के आधार पर इसका आंसर दिया गया है, तो हम देखते हैं। भारत में माल व सेवा कर, दैट इज कॉल्ड जीएसटी, गुड्स सर्विस टैक्स, जीएसटी मतलब गुड्स सर्विस टैक्स, जीएसटी प्रारंभ करने का मूलाधार की विवेचना कीजिए। इन व्यवस्थाओं को लागू करने में विलंब के कारणों का समालोचनात्मक वर्णन कीजिए। देखिए निश्चित रूप से जब भी कोई नई चीज आती है तो उसको मशक्कत करनी पड़ेगी, जीएसटी आया है जीएसटी क्यों दें, समझिएगा। कुछ लोगों को समझने में दिक्कत होगा कि जीएसटी क्यों दिया जाए और फायदा क्या है, और ठीक है अगर मान लीजिए उसका बड़े स्तर पर फायदा है तो हमें क्यों फायदा, हम क्यों जीएसटी दें, किन इन पचड़ों में पड़े, समझिएगा। तो जीएसटी आने के बाद क्या समस्या आई, आइए उस चीज को हम समझते हैं, आइए देखते हैं। वर्ष 2004 में वित्त मंत्रालय ने तत्कालीन सलाहकार, इनका नाम याद रखिएगा विजय केलकर, बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, विजय केलकर ने वर्तमान व्यवस्था के स्थान पर माल सेवा कर यानी जीएसटी प्रारंभ करने की सिफारिश की थी। पहली बार केलकर साहब ने कहा कि जीएसटी लेके आओ और जीएसटी जो है लागू करो। अब देखिए क्या होता है, भारत की सबसे महत्वाकांक्षी अप्रत्यक्ष कर सुधार योजना में माल एवं सेवा कर शामिल है। इस कर का उद्देश्य केंद्र तथा राज्यों के मध्य वित्तीय बाधाओं को कम करना है, इस बात को ध्यान रखिएगा, केंद्र और राज्य के बीच की बात है। वर्तमान समय में अप्रत्यक्ष कर प्रणाली के कारण केंद्र व राज्य की आपूर्ति श्रृंखला के विभिन्न स्तरों पर अलग अलग कर की व्यवस्था भी है, ये आप जानते होंगे। कुछ राज्य कर हैं, कुछ जो है गवर्नमेंट कर हैं, कुछ कर हैं जो गवर्नमेंट वसूल करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट वसूल करती है, लेकिन वह फिर वसूल करने के बाद किसको देती है, राज्य, वो सब चीजें हम लोग पढ़ेंगे, क्लास की बात है। लेकिन यहां पर आप ये देखिए, जैसे आबकारी कर, चुंगी कर, बिक्री कर, मूल्यवर्धित कर इत्यादि, माल एवं वस्तु कर में इन सभी करों को समाहित किया जाएगा, जितने तरह के कर हैं सबको हम इसमें डालेंगे जीएसटी में। इस कर व्यवस्था को लागू करने से अर्थव्यवस्था में पारदर्शिता आएगी और विश्व स्तर पर व्यापारिक गतिविधियां आसान हो जाएंगी। देखिए विश्व स्तर पर लोगों को पता होना चाहिए कि हमें इतना परसेंट ही कर देना है, हम 100 रुपए की चीज खरीद रहे हैं उसमें 18 रुपए कर जाएगा, उसके बाद और कोई करोर नहीं देना है, कंफर्म हो गया, नहीं तो पता चला कि वह स्टेट में भी कुछ कर दे रहा है और सेंट्रल में दे रहा है और वहां पर कोई पारदर्शिता नहीं है, किसी स्टेट का कर रेट कुछ है, किसी स्टेट का कर रेट कुछ हो रहा है, तो यह सब पारदर्शिता आएगी, इसके लिए यहां पर बोला गया है, ठीक है। आगे देखिए, पारदर्शिता आएगी, विश्व स्तर पर व्यापारिक गतिविधियां क्या हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी। इसके कारण केंद्र एवं राज्यों के कई अप्रत्यक्ष करों के बोझ को कम किया जा सकता है, मुद्रा स्फीति और वस्तु की दर में कमी आएगी जिसके परिणाम स्वरूप मांग एवं खपत में वृद्धि हो जाएगी, लागत में कमी से घरेलू उत्पादन को भी बढ़ावा मिलेगा, समझिएगा। अब इसमें देखिएगा, लागत कम है तो घरेलू उत्पादन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, सिंपल सी बात है। अब देखिए यहां तक आपने समझा, भारत एक सामान्य बाजार में परिवर्तित हो जाएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व के बाकी हिस्सों के साथ एकीकृत हो जाएगी, और उसके बाद एक बात और समझिएगा,
क्योंकि 160 विश्व के देश ऑलरेडी जीएसटी वहां पर लागू है, 160 से अधिक देशों में जीएसटी लागू है। हालांकि जीएसटी का औचित्य काफी आसान, आशाजनक और क्रांतिकारी है, कई राज्य इसे लागू करने से इनकार कर रहे थे। इस बात को समझिएगा, बहुत सारे राज्यों ने क्या किया, मना किया, क्यों हम जीएसटी के चक्कर में पड़े, सीधा सीधा लाभ हमारे पास आ रहा है। लेकिन आगे देखिए क्या हुआ, क्योंकि उन्हें अपने राजस्व के नुकसान के बारे में चिंता थी, संसद द्वारा केंद्रीय जीएसटी एकीकृत जीएसटी कानून को पारित करना और सभी राज्यों द्वारा राज्य जीएसटी कानून को पारित करना आसान नहीं था। कुछ राज्य जीएसटी टास्क फोर्स की तैयारी की कमी का हवाला देते थे, तो कुछ ऐसे राज्य थे इसके कार्यान्वयन को स्थगित करने की मांग करते थे। राज्य तंबाकू और अल्कोहल को इसके दायरे से बाहर रखना भी चाहते थे। देखिए सबसे ज्यादा जो टैक्स आता है इस बार कोरोना में, तो आपको पता चल ही गया होगा कि सबसे ज्यादा जो टैक्स था वो किस पर था। आप देख सकते हैं कि शराब को चालू कर दिया गया, क्योंकि शराब जो है क्या है, इम्यूनिटी सिस्टम को वीक करता है। शराब जो है बंद ही रखना चाहिए था, किसी भी हालत में शराब को नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जो एल्कोहल का ड्रिंक करता है उसकी इम्यूनिटी सिस्टम क्या होती, वीक हो जाती है। समझिए, ग्राउंड लेवल की बात समझिए। लेकिन राज्य सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, उसको टैक्स चाहिए, तो उसके पास बहुत बड़ा माध्यम कौन सा है, अल्कोहल का टैक्स, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहां पर वही हम बात कर रहे हैं कि राज्य सरकार तंबाकू और अल्कोहल को इसके दायरे से बाहर रखना चाहती थी। कर्मचारियों का प्रशिक्षण और मौजूदा ढांचे का विकास भी इसके क्रियान्वयन में चुनौती था। इसके क्रियान्वयन के लिए एक संवैधानिक संशोधन की जरूरत होगी, जिसमें राज्यों की भूमिका प्रमुख होगी। और आप देखिए इस समय जीएसटी लागू हो गया है फाइनली, ये तो उसके पहले का क्वेश्चन था, तो ये हमने आपको बताया। तो आपने देखा कि इसके बाद जो है एक राज्य एक देश और प्रत्येक देश में एक टैक्स, दैट इज कॉल्ड द जीएसटी, फिक्स है कितना टैक्स लेना है, चाहे हम यहाँ पे वोल्टास का एसी खरीदें दिल्ली से, चाहे आप राजस्थान से खरीदें, चाहे उड़ीसा से खरीदें, चाहे मध्य प्रदेश से खरीदें, चाहे उत्तर प्रदेश से खरीदें, किसी उत्तर प्रदेश से किसी जिले से खरीदें, वही वोल्टास का एसी उतने में मिलेगा, एक ही टैक्स उनको आपको पे करना है। तो बच्चों इन्हीं शब्दों के साथ सॉरी अपने शब्दों को विराम देता हूं और मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, फिर हम लोग आगे की बात करेंगे। धन्यवाद बच्चों।